हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुछ बनिए एकेडमी। बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपकी तीसरा पार्ट जिसका नाम है दादी माँ का परिवार, उसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस पार्ट के लेखक कौन और इस पार्ट में हमें क्या दिया है ये जान लेंगे। तो इस पार्ट के लेखक है रमाकांत और उन्हें कांत भी कहा जाता है। तो उनके बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है, उनमें से एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथा है, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि बहुत प्रसिद्ध है। तो रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई है। तो उन्होंने इस कहानी में लेखक ने बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो इस प्रकार हमारा पाठ का यह संक्षेप में परिचय हमने देख लिया है। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें से पहला सवाल है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह सवाल आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया नहीं है, यह आपके ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हमने लिया है। तो देखिए, घर के आंगन में डैश डैश का पेड़ था, इसका उत्तर है, देखिए तो इसका उत्तर है बरगद का पेड़ था। अगला रिक्त स्थान, सुबह उठ दादी डैश डैश बुहार दी, आंगन बुहार दी। तो उसके बाद प्रश्न दूसरा, घटना के अनुसार क्रम लगाओ। यह सवाल आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है और यही आपका पहला सवाल है। तो यहाँ पे हमें जो कुछ भी घटनाएं दी है तो उन्हें हमें क्रम में लगाना है जैसे घटनाएं घटी थी। तो इसका उत्तर देखिए, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा, चिंकी ने भी दो बेटों का उपहार दिया। तीसरा, टीनू मीनू चुस्को मुस्को खेलने लगे। आखिरी, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और उसके बाद इस स्वाध्याय में से आखिरी सवाल, तीसरा प्रश्न, एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो। हमें एक से दो वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो इसमें से पहला, चिड़िया कहाँ रहती थी? उत्तर, चिड़िया बरगद के पेट पर एक घोंसले में रहती थी। अगला, पहेलिया कब ठगासा रह गया? उत्तर, जब चिड़े चिड़िया जात लेकर एक साथ उड़ने लगी, उस समय बहेलिया ठगसा रह गया। तीसरा सवाल, जो दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? उत्तर, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती और खाती और परिवार जनों से बतियाती। आखिरी सवाल, चुस्को मुस्को ने किसके जाल काटा? उत्तर, चुस्को मुस्को ने अपने दांतों से जाल काटा। और इस तरह से हमारे इस पाठ का जो स्वाध्याय था, वो जो कि बहुत छोटा सा स्वाध्याय था, वो यहाँ पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको यह स्वाध्याय अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इस स्वाध्याय में कोई भी शंका है तो आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। और इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज के स्वरूप में आपकी शंकाएं पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिख रहे बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस के बारे में सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह से हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करने के लिए हमारा जो सेकेंड चैनल है जिसका नाम है गुरबरी अकेडमी लाइव चैनल, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से इससे पहले वाले, इससे आगे वाले जो कुछ भी पाठ और कविता और स्वाध्याय के वीडियोस है वो देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको यत्ता सत्वे हिंदी इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिलेंगे। तो उन्हें देखिए, उनकी बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। यह सभी वीडियोस इस पाठ और कविता के संदर्भ में नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, यह सभी आपको गुरबरिया अकेडमी इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो इसके लिए प्ले स्टोर पे जाइए, गुरबरिया अकेडमी सर्च कीजिए और यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। यह एप्लीकेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। इस एप्लीकेशन के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी जाके आप यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने इस एप्लीकेशन में चैट सेक्शन दिया है जिसके भीतर आप कविता पाठ और स्वाध्याय के बारे में आपके जो कुछ भी शंकाएं हैं, आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं, वो अपने और क्लासमेट्स के साथ मिलकर ग्रुप डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे हमारे टीचर्स भी हैं, उनके साथ भी आप ग्रुप डिस्कस उनके साथ भी डिस्कस करके आप आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं और उनके भी लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां पे भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इसी तरह से
इसी तरह से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करने के लिए इस एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ हम रुकेंगे, जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।